दोस्तों आज की इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के साथ सीबीआई के रिलेटेड एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो इंफॉर्मेशन लाख ढूंढने पर भी यूट्यूब में आपको कोई नहीं देगा। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन वो तमाम एसएसआरियन के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग आज के दिन में भी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सीबीआई के माध्यम से हमें सुशांत सिंह राजपूत की केस का जस्टिस मिलेगा। तो वीडियो को जरा से भी नहीं खींचेंगे, डायरेक्टली आ जाते हैं मुद्दे पर। तो सुशांत सिंह राजपूत की केस होने के बाद, सीबीआई के हाथ पे केस जाने के बाद, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था। पर उसके बाद सीबीआई की तरफ से दो चार अपडेट हमारे सामने आया। पर क्या आपको पता है कि एक्चुअली सीबीआई की जो काम है वो काम कौन सी जगह पे जाके रुक चुका था? यानी ऐसा कौन सी जगह है जहां पे जाने के बाद, जिस जगह पे सीबीआई की ये जांच पहुंचने के बाद सीबीआई की केस ही रोक दिया गया था, ये जगह कौन सी है? हाँ, ये सुन के अभी आपको लग सकता है कि चारापुना क्या कह रहा है, सीबीआई की जांच रोक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी जगह है जिस जगह तक सीबीआई की जांच पहुंचने के बाद उसको रोका गया था। और ये जो बात है, ये बात सिर्फ ऐसा नहीं कि चारापोना को कोई सोर्स से पता चला है उसके बाद चारापोना कह रहा है, नहीं, पूरी जो सर्कमस्टेंसेस है सब कुछ विचार करते हुए मेरा जो कंक्लूशन है वो बस यही है कि सीबीआई की जो जांच था वो उस जगह पे पहुंचने के बाद ही उसको स्टॉप कर दिया गया था। तो वो जांच क्या था? जो सीबीआई का जो जांच पहुंच रहा था, सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत की केस को रिवील करने के लिए, तमाम जो सीबीआई की कोशिश चल रहा था, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही स्मूथ और अच्छी तरीके से चल रहा था। इस घटने को कवर किया था जी हिंदुस्तान ने, और जी हिंदुस्तान को ये खबर पहुंच गया था कि सीबीआई जांच करते करते अल्टीमेटली एक राजनीतिक लीडर की गेस्ट हाउस तक पहुंच चुका था। जी हाँ, ये बात शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं, या फिर बहुत ही कम लोग हैं जो कि आपको बताएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में ये खबर या फिर इसके रिगार्डिंग ज्यादा जानकारी किसी के पास होगा कि सीबीआई एक ऐसी राजनीतिक लीडर की गेस्ट हाउस तक पहुंच चुका था। सीबीआई की टीम जांच करते हुए सुशांत सिंह राजपूत की केस को खोदते हुए जहां पे पहुंचने के बाद डेफिनेटली शायद सेंट्रल के तरफ से, यानी सेंट्रल मतलब हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री के अलावा सीबीआई को रोकने वाला कोई नहीं है, किसी का कोई औकात नहीं है कि सीबीआई को रोक सके। तो जैसे ही सीबीआई उस राजनीतिक लीडर की दरवाजे तक पहुंच जाते हैं अपनी छानबीन करते हुए, तभी वो राजनीतिक लीडर भी वो ही पार्टी के नीचे आ जाते हैं जो पार्टी ही सीबीआई को रोक सकता है। उसके पैरों तले आने के बाद उनको रिक्वेस्ट किया होगा कि भाई साहब हम माफी मांग रहे हैं, हम आपके साथ आ रहे हैं, कृपया करके सीबीआई को हटा दीजिए, हमारे तरफ से हमारे घर से निकालिए सीबीआई को, नहीं तो हम फंस जाएंगे। पर उसके बाद ही सीबीआई को वहां स्टॉप कर दिया गया था। अब अगर आप चतुर है, अब अगर आपको राजनीतिक चीज समझ में आते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि चारापुना क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चारापुना की बातों से आपको यह पता चल जाना चाहिए कि वो कौन सी पॉलिटिकल लीडर है जिसके घर के दरवाजे तक सीबीआई पहुंच चुका था, बस और कुछ दिनों का इंतजार था, पर सही समय पे सही चाल लगा के वो सेंट्रल की पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाके मिल जाते हैं और उसके बाद केस वही स्टॉप होता है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है ना दोस्तों, ये सिर्फ एक हाई प्रोफाइल केस ही नहीं है, ये एक बहुत ही रहस्यमयी केस भी है। यानी सुशांत की केस में जब सीबीआई खोदना शुरू किया था, उस वक्त से लेके जितना दूर तक सीबीआई ने खोदा, शायद सीबीआई को भी यकीन नहीं आया कि ये नाम हमारे सामने आ सकते थे। तो बस दोस्तों, आज की ये छोटा सा वीडियो के जरिए मैंने आप लोगों के सामने सुशांत सिंह राजपूत की केस का एक बहुत बड़ा चीज रख दिया। यानी एज ए एसएसआरियन आपको ये जानकारी 100% होना चाहिए था कि अल्टीमेट सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की केस में कितना दूर तक पहुंचा था और उसके बाद क्या हुआ है। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों का कुछ भी कहना है तो आप लोग आराम से मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं।
तो बस दोस्तों मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।